नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समंदर में बाहुबली INS विक्रांत और आसमान में गरजता तेजस, दुनिया देख रही मेड इन इंडिया की ताकत। एशिया कप 2022 में 7 दिनों के अंदर दूसरी बार भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमों के फैन समेत विश्व क्रिकेट के सामने एक बार फिर जोरदार मुकाबले का शानदार नजारा पेश होगा। अमरावती में 2 दिन से मां से बिछड़े तेंदुआ शावक आखिरकार अपनी मां से मिले, वन विभाग के प्रयासों को मिली सफलता। अब खबरें विस्तार से। भारत रक्षा के क्षेत्र में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आधुनिक हथियारों को लेकर तोप, ड्रोन और फाइटर जेट समेत कई और उपकरण खुद ही बनाने में लगा है। 2 सितंबर को स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित कर दिया गया, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की प्रगति का स्वर्णिम पल रहा। आज हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अभियान शानदार तरीके से सफलताओं का आसमान चूम रहा है। भारत लगातार मेड इन इंडिया अभियान के तहत हथियारों से लेकर बड़े बड़े युद्धोपात बना रहा है। 2 सितंबर को सितंबर का बाहुबली INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। ये स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत देश की एक नई ताकत और ऊर्जा है। इस विशाल एयरक्राफ्ट के जरिए समुद्री सरहद में जल से लेकर नभ तक प्रहरी का काम किया जा रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत के साथ ही भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह के बड़े और आधुनिक सुविधाओं से लैस युद्धपोत बनाने की क्षमता है। INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से बनाया गया है। इस युद्धपोत को इंडियन नेवी के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पूरी दुनिया में धूम मची है। अब तेजस का एक नया वर्जन भी जल्द आने की उम्मीद है। PM मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के साथ विकसित करने की मेगो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने 5वीं पीढ़ी रिटिल्थ टेक्नोलॉजी को भी हरी झंडी दे दी। तेजस के एडवांस वर्जन में अधिक ताकतवर एजान लगाया जाएगा। तेजस 1 का वजन 14.5 टन था, लेकिन अब इससे बढ़कर 17.5 टन किया जाएगा। तेजस मार्क 2 में 4.5 टन पेलैंड ले जाने में सक्षम होगा, जबकि इससे पहले तेजस मार्क 1 में 3.5 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता थी। नरखेड़ तालुका के एक गांव में मजदूर ने चुरा कर शराब पीने का मालिक को शक था। गुस्से में आकर उसने मजदूर के कपड़े उतारने को कहा और उसके पार्श्व भाग पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घायल का नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी का नाम जीवन भाव साहेब पवार है। घायल का नाम राजेश अशोक राव ठाकरे है। राजेश जीवन के खेत में मजदूरी का काम करता था। 23 अगस्त को राजेश मजदूरी मांगने जीवन के पास गया था। इसी बीच जीवन को शक हुआ कि राजेश ने शराब चुराई है। गुस्से में आकर जीवन ने मजदूर को अपने जूते से पीटा और पूछा कि उसने मेरी शराब क्यों चुराई। उसके बाद राजेश की पैंट उतारी और उसकी पीठ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। राजेश ने किसी तरह आग बुझा दी। इसके बाद वो पहले नजदीकी अस्पताल और फिर इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र गए। उसकी शिकायत के आधार पर जाललखेड़ा पुलिस ने जीवन पवार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में 4 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राजेश 10 से 15% तक जल गया था। चिकित्सा विशेषज्ञ उसका इलाज कर रहे हैं। जन्मदाता पिता ने अपने ही 2 बच्चों को जहर खाकर उनकी हत्या की और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है। पिता का नाम संजय श्रीराम कामले है, जबकि मृत बच्चों का नाम सुमित और मिस्टी है। इस घटना से समाज स्तब्ध हो गया है। संजय कामले अपने परिवार के साथ वरूरा तालुका के बोर्ड में रहते हैं। निजी ट्यूशन उनका व्यवसाय था। इसी आमदनी से वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसकी पत्नी प्रणीता अनुबंध के आधार पर एक कॉलेज में कार्यरत है। उसे सुमित और मिस्टी नाम के 2 बच्चे थे। पिछले कुछ दिनों से कामले की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। इस वजह से अध्यापन कक्षाएं बंद होने के मार्ग पर ही थी। शुक्रवार की सुबह पत्नी प्रणीता काम से कॉलेज गई थी। सुमित और मिस्टी दोनों अपने पिता संजय कामले के साथ घर पर थे। शाम को जब प्रणीता घर आई तो घर का मुख्य दरवाजा बंद था।
उसके घर का दरवाज़ा खोला तो उसे बड़ा झटका ही लग गया। दोनों बच्चे बेड पर लेटे हुए थे, मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी चीख पुकार से आसपास के लोग दौड़ पड़े। दोनों बच्चों को तुरंत उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। इसी बीच समुद्रपुर गांव से कुछ दूरी पर सखरा गांव के खेत में आज सुबह कामले का शव मिला। पिता ने पहले दोनों बच्चों को जहर दिया, उसके बाद उसने उनका गला घोटकर उनकी हत्या कर दी और साखरा के खेत में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या कामले ने आर्थिक कारणों से ये कदम उठाया है या इसके पीछे कुछ और कारण थे। घटना की सूचना वरोरा पुलिस को दे दी गई है। फैसला हो चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है और माहौल तो पहले से ही तैयार है, बस अब रविवार का इंतजार है। एशिया कप 2022 में 7 दिनों के अंदर दूसरी बार भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराने वाली हैं और इसके साथ ही दोनों टीमों के फैंस समेत विश्व क्रिकेट के सामने एक बार फिर जोरदार मुकाबले का शानदार नजारा पेश होने वाला है। अपने आखिरी मुकाबले में हांगकांग को बुरी तरह से हराने के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 राउंड में अपनी जगह बना ली। इसके साथ ही रविवार 4 सितंबर को भारत पाकिस्तान की टक्कर होगी। सुपर 4 मुकाबलों की शुरुआत शनिवार 3 सितंबर से हो जाएगी और पहले ही मैच में श्रीलंका अफगानिस्तान की टक्कर होगी। अफगानिस्तान ने ग्रुप मैच में श्रीलंका को आसानी से हरा दिया था। सबसे ज्यादा नजरें और इंतजार हालांकि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का होगा। द्विपक्षीय सीरीज के अभाव में दोनों टीमों एक से ज्यादा मैच कभी कभार ही खेल पाती है। पाकिस्तान की हांगकांग पर जीत के साथ ही टूर्नामेंट के सुपर 4 स्टेज की चारों टीमों का फैसला हो गया है। सबसे पहले अफगानिस्तान ने ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर अपना टिकट कटाया था। इसके बाद भारत ने ग्रुप ए में पाकिस्तान और हांगकांग को मात देकर जगह बनाई थी। इसके ग्रुप बी से श्रीलंका ने करो या मरो के मैच में बांग्लादेश को हराते हुए दूसरे दौर में अपना नाम लिखाया और अब पाकिस्तान ने ग्रुप ए से अपनी सीट पक्की। मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर मुंबई नगर निकाय ने शुक्रवार को कहा कि शिवाजी पार्क बुक करने के वास्ते उसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिवसेना के राजनीतिक कैलेंडर में ये रैली सबसे महत्वपूर्ण आयोजन मानी जाती है और कई दशकों से पार्टी की ये परंपरा चली आ रही है, परंतु इस साल इस रैली के 2 दावेदार हैं क्योंकि जून में शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। मुंबई के शिवाजी पार्क की बुकिंग के वास्ते मुंबई नगर निकाय को पिछले महीने 2 आवेदन प्राप्त हुए। पहला आवेदन 22 अगस्त को मिला जो शिवसेना के ठाकरे गुट से भेजा गया था और दूसरा आवेदन गणेश उत्सव से ठीक पहले शिंदे गुट ने भेजा था। अभी तक किसी भी आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी पहले की तरह शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगी। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि रैली के लिए पार्टी के आवेदन को मंजूरी मिलने में दिक्कत पेश आ रही है। शिवाजी पार्क में पहली रैली 1966 में हुई थी जिसे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने संबोधित किया था। इस रैली में राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। टेक्नोलॉजी के जमाने में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गया है। बैंक जमा और निकासी भी अब ऑनलाइन है, लेकिन कई बार ये सुविधा भी बन जाती है। इस ऑनलाइन लेन देन से चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तालुका के एक मजदूर को काफी फायदा हुआ है। गुरुवार को पता चला कि उसके बैंक खाते में गूगल पे के जरिए 99,98,106 रुपए की राशि जमा की गई है। मोबाइल फोन पर इतनी बड़ी रकम बैंक खाते में जमा होने का संदेश देखकर वो और गांव के लोग दंग रह गए। अंततः जिस खाते से पैसा आया था उसी खाते में बैंक के जरिए पैसा वापस भेज दिया गया है। नागभीड़ तालुका के मांगले निवासी राजू देवराम मिलाम मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनका बैंक ऑफ इंडिया की नागभीड़ शाखा में खाता है और गुरुवार को उनके बैंक खाते में गूगल पे के जरिए 99,98,106 रुपए जमा किए गए। उनके मोबाइल फोन पर बैंक से ऐसा संदेश मिला। उस मैसेज को देखकर एक पल के लिए भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने गांव के कुछ नागरिकों को भी इसकी जानकारी दी, इसलिए इसे लेकर गांव में भी चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच शुक्रवार को बैंक ऑफ इंडिया की नागभीड़ शाखा से फोन पर राजू मेश्राम से संपर्क किया गया। इस समय बैंक अधिकारियों ने बताया कि आपके बैंक खाते में 99,98,106 रुपए जमा हो चुके हैं, साथ ही इतनी बड़ी रकम का ब्यौरा देने को भी कहा। बैंक अधिकारियों के निर्देश के बाद राजू मेश्राम डर गए, तुरंत अपने एक साथी के साथ बैंक गए और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। बैंक अधिकारियों ने खाते में जमा राशि के बारे में पूछताछ की तो मेश्राम ने ईमानदारी से बैंक अधिकारियों से कहा कि ये राशि उनकी नहीं है और गलती से आ गई होगी, इसलिए बैंक अधिकारियों ने बाद में उसी खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जिससे वो आई थी। अपने खाते में इतनी बड़ी रकम जमा होते देख राजू मेश्राम भी हैरान रह गए थे, लेकिन वो राशि उनकी नहीं थी ये सच बताकर उन्होंने जो ईमानदारी दिखाई है उसकी सराहना की जा रही है। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को कोरोना होने की खबर पर अंबानी समूह की सफाई सामने आई है। अनंत अंबानी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई थी। इसी बात पर भी चिंता जताई गई थी कि एक दिन पहले ही यानी 1 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंबानी परिवार के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए गए थे। फडणवीस की पत्नी अमृता भी उनके साथ थी। अब इस पर अंबानी समूह ने अपनी सफाई दी है। मुंबई में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। इस मौके पर बड़े बड़ों से लेकर आम लोग एक दूसरे से मिलने और उनके घर बैठाए गए गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए जाते। मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया में भी हर साल गणपति बाप्पा विराजमान होते हैं। इस बार भी उनके घर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटी पहुंचे। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसी सिलसिले में उनके घर पहुंचे थे। अनंत अंबानी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर आने के बाद इनके लिए भी चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब अंबानी समूह की सफाई आने के बाद चिंता खत्म हो गई। अंबानी समूह ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है कि अनंत अंबानी को कोरोना हुआ है। अंबानी समूह की ओर से यह साफ कहा गया है कि अनंत अंबानी को कोरोना नहीं हुआ है। इससे पहले यह खबर आई थी कि अनंत अंबानी की तबीयत कल ही अचानक बिगड़ी, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिलायंस अस्पताल ले जाया गया। यहां हुई जांच की रिपोर्ट में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन रिलायंस समूह ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। दो दिन से मां से बिछड़े तेंदुआ शावक आखिरकार आज अपनी मां से मिल गए। वन विभाग के प्रयासों से दो बछड़ों को उनकी मां के साथ फिर से मिला दिया गया। दो दिन पहले अमरावती में महादेवखोरी नेशनल बाईपास से सटे वन विभाग के 13 एकड़ के बागान के पास तेंदुए के दो शावक देखे गए थे। उसके बाद वन विभाग की टीम ने दोनों बछड़ों को रेस्क्यू कर बांस के बगीचे में रख दिया। उसके बाद वन विभाग ने बछड़ों को वापस उनकी मां के पास पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए। दोनों तेंदुए शावकों को कल वन विभाग के अधिकारियों द्वारा चिकित्सकीय जांच के बाद रात में छोड़ दिया गया और कुछ ही देर में ये दोनों बछड़े अपने बाप के पास जाते नजर आए। चार दिन पहले लापता हुई नाबालिग बच्ची का शव मिल गया है। इसके पीछे किसी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया तो आक्रोशित ग्रामीण भी यहां उमड़ पड़े। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। यह घटना अलीपुर थाना क्षेत्र के तलेगांव टाला तुले की है। 31 अगस्त को लड़की के माता पिता ने उसके लापता होने की सूचना दी। दो दिन के बाद भी लड़की नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई जांच नहीं की गई, ऐसा आरोप माँ बाप ने लगाया है। बीती रात बच्ची का शव खेत में कुएं में तैरता मिला।
देखने में आया है कि शव पर तेजाब फेंक कर जलाने का प्रयास किया गया। इसके चलते बालिका को आपात स्थिति में अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सांसद रामदास तड़स भी वहां पहुंच गए। वर्धा जिले में चांगी ग्राम पंचायत कार्यालय हमेशा बंद रहता है। कार्यालय में ताला लगा रहता है और ग्राम सेवक नदारद रहता है। ग्राम पंचायत कर्मचारी भी उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे गांव के लोग अपने काम पूरे नहीं कर पाते। ग्राम पंचायत प्रशासन को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। वो बंद होने के कारण लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के लोगों का काम नहीं होता है। आज ग्राम पंचायत बंद आए, कार्यकर्ता लोग आए तो ग्राम पंचायत बंद आए म्हणून राहिले। कधी बंद राहायचे नेहमी नाही राहत बंद। आणि ग्रामसेवक वगैरे येत नाही मग बाबा? नाही येते येते। ग्राम पंचायत मध्ये सचिव येतच नाही, नेहमीच बंद राहते। कोणते काम असले तर हे आपले काहीच नाही। तीन दोन संडास बांधले पण तो म्हणे हे साहेब म्हणे तू घरकुल आहे आपलं घर असलं आपलं बरं समज तू इथं राहत येतच नाही ना आपल्या इथं जास्त। तो VKB न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।